जय श्री जगन्नाथ। मु आशा करुची भलरे थिबो। 2021 मसीहार नुआ सेसन को तुमको स्वागत। पिला माने आज आम चतुर्थ श्रेणी साहित्य पढ़ा। प्रसंगटीर नाम होउची हजिला दिनर कथा। हजिला दिनर कथा लिखिछन्ति लेखक रमेश चंद्र भंज। प्रथमे लेखक परिचय जानिबा। जणे शिशु साहित्यक भावे श्री रमेश चंद्र भंज ओडिशा रे बेस जनाशुना। शिशु और किशोर किशोरी से गप कविता नीतिकथा लिखि थांति। गपगुड़ आदर्श और नीति विषय वर्णित होइथाय। तांको लेखा आमको सुमनुष करिबारे साहाज्य करे। 1941 मसीहा रे से जन्मग्रहण करथिले। कुटा काठी पतर फूल नई जह्न और गपगंठिली इत्यादि लेखागुड़ी से खूब प्रसिद्धि अर्जन करिछन्ति। आमे पाठर पूर्वभाषा आम जाणवा। ओडिशार बरपुत्र उत्कल गौरव मधुसूदन राज्यवासी निकट में बेस परिचित। ओडिशार नामकरा लोक मान कथा चिंता कले नाम प्रथम मन को आसे। जीवन आम राज्यर बहु घटनावली सहित जड़ित। से आधुनिक ओडिशार मूलदुआ पकाई चिरस्मरणीय होती। से ही बरपुत्र मधुबाबू पूरा ना मधुसूदन दास। से मधु बारिस्टर मिस्टर दास कुलवृद्ध नाम रे मध्य सुपरिचित। पिला माने पाठटी पढ़िबा। सकाळ बुल्ला देह को बड़ हित बेस फूर्ति लगे। फूर्तिर अर्थ है आनंदपूर्ण चंचलता लगे। से दिन बधु बाबू सबुदिनिया सकाळ बुल्ला सारी कोठी को फेरी आसथांती। नीति किल्ला पड़िया रे घेराई बुली न आसिले बाबू को शांति लगे ना। बेले बेले बारबटी कड़ दे महानदी कूले कूले थोड़े बाट चली जाती। हाथ में थाए सिंगबाड़ी घर लेउटाणी मनटा टिके हालुका लगे। सिंगबाड़ीटा हाथ में घूर थाए काली अंधारू से भारी जाती। काली अंधार अर्थ है बड़ी भोर। फेरु फेरु कौल खरा पड़ जाए से दिन कहीं जाने टिके सहल लेउटी आसी था। सहल अर्थ है शीघ्र। हता भितर पशु पशु आखिरी पड़ा गिना गड़ु ठेकी ढाड़ थुआ हो। कोतरा कस्ता पिंधा स्त्रीलोक केतोटी अपेक्षा करी ठिया होइछंती। कोतरार अर्थ है अपरिष्कार। से मानक काखरे कुनी कुनी छुआ बाबू को देखी सभी संकीगले। संकीगले अर्थ है भय पाईगले। स्त्रीलोक चेहरा जमी छुआ चेहरा ताकू बड़े समस्त मुंड नुखुरा। नुखुरार अर्थ है मुंडे तेल लग ना। हाड़ुआ देह को ठाकरा मुह ओठ शुखिला आखि निस्ते छुआगुड़िक देह फुंगुला पतला और दुर्बल। निस्तेज अर्थ है तेजहीन। फुंगुला अर्थ है लंगला। बाबू काबा हेले काबार अर्थ है आश्चर्य। एम आज कुआडे एठारे काहीकि समस्त उपरे थरे आखि बुलाई बाबू पचारे कुआडे सबू आसीच क्षीर पाई ए पिलांक सकाशे किए क्षीर देव सुदाम भल क्षीर टिके देउछु। तो सुदाम का घर बिड़ानाश्रे से बाबू को गाई मानकर हेफाजत करे। हेफाजतर अर्थ है रक्षणाबेक्षण। गुहाल गोबर चुनी चोकड़ नड़ा कुटा घास कोलत सब तदारख करे। चुनीर अर्थ है गोखाद्य। तदारखर अर्थ है बुझा सुझा। खाई बाबू को घरे थाए बेले बेले अन्य बोलोहाक करे। बोलोहाकर अर्थ है आदेश पालन। बाबू तलाश कर बुझले। तलाशर अर्थ है अनुसंधान। एम आज केवल आसी ना एमती गला केतदिन धरी आसुंच पुणी पैसा दे क्षीर ने किए पाए तो किए अध पाए। कौन सी जिनसर चारि भागु भाग है पायर अर्थ। सब पैसा देउछंती सुदाम को। बाबूंर मथा को राग चढ़ीगला। मने मने से निया होगले। निया होगले रागिगले सुदाम उपरे। अजाणत सुदाम क्षीर बिकी पैसा रखुची। आज सुदाम घर विदा हेब। हेले सुदाम तो सेपरी लोक नुहे। एत दिन धरी रही बाबूंर लोक चिन्हबारे तेरे कौन एत भूल रहीगला। सुदाम को पाखक डाक बाबू पचारे। सुदाम सीधा सीधा मानिगला। सी कहीं लुचाइब कोठी खर्च बाद क्षीर ढेर बड़का हो क्षीर आउ कौन हेब तेणु से बिकी दौची। से ही पैसा गाई चुनी चोकड़ पिड़िया नड़ापाड़ किणी खावाक देउची। ए सब शुणी गर्जी उठिले बाबू। हई रे मधुदास से सब क्षीर बिकव छी छी ता पुणी ए गरीब लोक गुड़ाक लोके शुणिले कौन कहे।
ଗାଈଙ୍କର ଯଦି ଦାନାର ଅଭାବ ହେଉଛି ମୋତେ ଜଣାଇଲୁ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନପାରିଲେ ମଧୁଦାସ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଗାଈ ବିକିଦେବ ସିନା, କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅଭାବ ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ଟେନେରୀ ଜୋତା କାରଖାନାଟା ନିଲାମ ହୋଇଗଲା, ନିଲାମ ହୋଇଗଲା ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣିବା। କାଲିଠାରୁ କ୍ଷୀର ମାଗଣା ଦିଆଯିବ, ଗାଈ ଦୁହାଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ଏହି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖରାପ ଅବସ୍ଥା। ସିଏ କ'ଣ ଏତେ ଏଭଳି କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିଥାନ୍ତେ? ଏ ମଧୁଦାସ କିଏ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଦାସ ମଧୁବାବୁ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଢଗଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି। ବାରିଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ବଡ଼ ଓକିଲ। ତାଙ୍କ ପରି ପଢ଼ୁଆ ଓ ଲଢ଼ୁଆ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲେ। ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କଲିକତା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ଏମ୍ଏ ବିଏଲ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। 1880 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କଟକ ଚାଲି ଆସିଲେ। ପହିଲେ କଟକର ବିହାରୀ ବାଗରେ ରହି ଅଦାଲତରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅଦାଲତର ଅର୍ଥ ହେଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ। ପରେ ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ନିଜ ଘର ତୋଳି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠାରେ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେହି ହତା ଭିତରେ ମଧୁସ୍ମୃତି ନାମକ ଏକ କୋଠରୀ ଅଛି। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ହାତବାଡ଼ି, ପଗଡ଼ି, ଚଷମା, ଜୋତା, ଦୋସଡ଼ା, ସାଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ଦୋସଡ଼ାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ସାଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ସାଲ୍ ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ଦୋସଡ଼ା କୁହାଯାଏ। 1905 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଟେନେରୀ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜୋତା କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। ସେହି କାରଖାନାରେ ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋଧି, କୁମ୍ଭୀରର ଚମଡ଼ାରୁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରମାନେ ସୁନ୍ଦର ଓ ମଜବୁତ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏହି ଜୋତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଜୋତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ଥିଲା, ଟେକର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁନାମ। କାମରେ ଟିକିଏ ଖଇଚା ଦେଖିଲେ ମଧୁବାବୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଜୋତା ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଖଇଚା ହେଲା ତାର ଅର୍ଥ ତ୍ରୁଟି। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ କରଜ ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ କାରଖାନାଟି ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। କରଜର ଅର୍ଥ ହେଲା ଋଣ। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦାରୁଣ ଅଭାବ ଘଟି ରହିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ତିଳେ ହେଳେ ବିଚଳିତ କରିପାରୁନଥିଲା। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଏ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ମଧୁବାବୁ ନିତିଦିନ ଖାଉଥିଲେ। ତା ଥିଲା ପୋଷେ ଢିଙ୍କିକୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର, ମଦରଙ୍ଗା କିମ୍ବା ହିଡ଼ମିଚା ଶାଗ, 4-5 ମୁଠା ଖଇ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ଯେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେ କିପରି କ୍ଷୀର ବିକିଥାନ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ? ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ ଏମ୍ଏ, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଆମ ଜାତିର ଗୌରବ, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମପୁର ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସକାଳ ବୁଲାରୁ ଫେରି ମଧୁବାବୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ସକାଳ ବୁଲାରୁ ଫେରି ମଧୁବାବୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହତା ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ କେତେକ ଗିନା, ଗଡ଼ୁ, ଠେକି, ଢାଳ ସବୁ ଥୁଆ ହୋଇଛି ଓ ପାଖରେ କୋତରା କସ୍ତା ପିନ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତେଜଣ ଦୁର୍ବଳିଆ ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ କୁନି କୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ କାଖି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖର ପ୍ରଶ୍ନ, ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ସୁଦାମ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବିକି ପଇସା ନେଉଛି, ଏକଥା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମ ଉପରେ ରାଗିଲେ। ଗର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଦାମର କଥା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ସୁଦାମର କଥା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ କହିଲେ, ହଇରେ ମଧୁଦାସ ଶେଷକୁ କ୍ଷୀର ବିକିବ, ଛି ଛି, ପୁଣି ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଗାଈଙ୍କର ଯଦି ଦାନାର ଅଭାବ ହେଉଛି ମୋତେ ଜଣାଇଲୁ ନାହିଁ,
खाइबा को देने पारे मधु दास गोटी गोटी गाई बिकिदेव सिना क्षीर बिकि पारना अभाव भितर उत्कल टेनरी जोता कारखानाटा निलाम होगला ता देह सहला तथापि मधु दास तल को खसी जाए ना ना हो पार ना कालीठारु क्षीर मागणा दिजा गाई दुहाण थिबा पर्यंत कोटी खर्चरु काटी एई छुआ मानकु क्षीर दिजा। घर प्रश्न गरीब लोक मानकु क्षीर देवा विषय रे मधुबाबू सुदाम को कि परामर्श देले उत्तरटी हेला गाई दुहाळ थिबा पर्यंत कोठी खर्चरु काटी गरीब लोक मानकु मागणारे क्षीर देवा पई मधुबाबू सुदाम को परामर्श देले। ओर प्रश्न मधुबाबूंकर अभाव घटिला काहेकि उत्तरटी हेला मधुबाबू बसाई जोता कारखाना उत्कल टेनरी या जोता बहु परिमाण रे विदेश को चालाण होता देश विदेश रे जोतापाई ओडिशार सुनाम थिला कामरे टिके खईचा देखिले ओडिशा ओ ओडिया कारीगर बदनाम होबा भयरे से बिड़ा बिड़ा जोता पोड़ी देउथिले फळरे तांकर टंका पैसार घोर अभाव घटिला शेषे करज सुजिन परिवार जोता कारखाना टी भी निलाम होइगला। पिला माने एबे दुई नंबर प्रश्न टी देख बहीपत्र पानी पवन परी ए विषय रे पड़ीथिबा केतरी जोड़ा जोड़ा शब्द खोजी बाहर करिबा जोड़ा जोड़ा शब्द हला गुहाळ गोबर नड़ा पाळ जणा सुणा खाई पी बोलो हाक बेश पोशाक देखा सुना। पिला माने तीन नंबर प्रश्न टी देख चक्रटी को देखी किए केऊ उपाधि रे घोषित ताहा तले लेख मधुसूदन दास उत्कल गौरव जदुमणि महापात्र उत्कल घंट कुंतला कुमारी सावत उत्कल भारती गोपबंधु दास उत्कल मणि हरे कृष्ण महताब उत्कल केसरी पद्मचरण राय उत्कल भीम। पिलामाने एबे आमे चारि नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा केउ शब्दर अर्थ कौन ताहा पत्रर खोजी बाहर करी देखिबा तलाशर अर्थ अनुसंधान करिबा हेफाजतर अर्थ जत्न नेबा निस्तेजर अर्थ मलिन किलार अर्थ गड़ पिला माने एबे पांच नंबर टी देख तळलिखित उत्तर गुड़िक पाए पई आस प्रश्न तैयारी करिबा ओ लेखिबा उत्तरटी अच्छी छुआ गुड़िक फुंगुला पतला और दुर्बल चेहरार थिले यदि प्रश्न तैयारी करिबा प्रश्नटी हेबो छुआ गुड़िक देखिबाकु किपरि थिले सेहिपरि सुदामर घर बिडानासिरे सुदामर घर केउठी ग जोता गुड़िक देश विदेश को चालाण होउतला प्रश्नटी तैयारी कले जोता गुड़िक केउठाकु चालाण होउतला घ 1880 मसीहारे से कलिकता छाड़ी कटक आसिले प्रश्न तैयारी कले 1880 मसीहारे से कलिकता छाड़ी केउठाकु आसिले व चारि पांच मुठा खई तांकर अति प्रिय जलखिया थिला प्रश्नटी तैयारी कले तांकर अति प्रिय जलखिया कौन थिला पिला माने एबे 6 नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा जेपरी मथा को राग चढ़ी जिबा सेहीपरि तले लेखाथिबा अंश गुड़ी पढ़ी शून्य स्थान पूरण कर क डेक्स रु जुड़ी जुड़िया पोक बाहर उत्तरटी हेला आखिरु जुड़ी जुड़िया पोक बाहर ख डेक्स रे हंसा उड़ी जिबा उत्तरटी हेला भोकरे हंसा उड़ी जिबा ग डेक्स रे देह जळी जिबा उत्तरटी हेला रागरे देह जळी जिबा घ डेक्स रे नाक टेकिबा उत्तरटी हेला घृणा रे नाक टेकिबा व डेक्स रे मुंड नई जिबा उत्तरटी हेला भक्ति रे मुंड नई जिबा। पिला माने एबे 7 नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा आस तले दिया जाइथिबा शब्द गुडी को लगाई गोटे लेखाय वाक्य गठन करिबा कर हित अच्छे कौन लिखा तार वाक्य साग खाइले देहर हित हुए ख फूर्ति तार लिखा वाक्य सका बुलिले मन और देह फूर्ति रहे सतेज तार वाक्य लिखा
पानी देवारु गच्छटी सतेज दिशुची। दुर्दशा तार वाक्यटी लिखिबा लोकटी चोरी करी खूब दुर्दशा भोगिला। सहल पिलाटी सबुदिन सहल स्कूल को आसे। पिला माने आठ नंबर प्रश्न उत्तरटी देख आलोचना करिबा। तल वाक्यटी पढ़ से अनुसार खाली स्थान गुड़िक पूरण कर। से हता भितर पशु पशु अनेक लोक को देखिले। कर प्रश्न मु घरे गोड़ दे दू डेस्क। उत्तरटी है मु घरे गोड़ दे दू घटनाटी जाणीगली। खर प्रश्न से खेलाड़ीटी पेंडुटी को मारु मारु डेस्क। से खेलाड़ीटी पेंडुटी को मारु मारु तले पड़गला। गर प्रश्न आई मते गपटी कौ कौ डैश। गर प्रश्नर उत्तर है आई मते गपटी कौ कौ कांदी पकाइले। घर प्रश्न भीम मंडापिठा तक खाऊ खाऊ डैश। उत्तरटी है भीम मंडापिठा तक खाऊ खाऊ सबू खाईदे। पाने नौ नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। क स्तंभर जो शब्द सहित ख स्तंभर थिबा जो शब्दर संपर्क अच्छी ताकु बाछि एकाठी करिबा ओ ग स्तंभरे नुआ शब्दटी लेखिबा। क स्तंभर अच्छी दारुण कस्ता प्रवेशिका कौल काली नुकुरा। ख स्तंभर अच्छी लुगा मुंड अंधार हित परीक्षा अभाव खरा। आमे ग स्तंभरे लेखिबा दारुण अभाव कस्ता लुगा प्रवेशिका परीक्षा कौल खरा काली अंधार नुकुरा मुंड। पाने दस नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। बंधनी मध्य भिन्न भिन्न प्रकार केते गुड़िए नाम दि जाए नाम गुड़िक कहार ताहा बाछी खाली जगार लेखिबा। देख केतेक शब्द अछि सुदाम कटक वकिलाती गाई सहिष्णुता। प्रश्नटी देख गोटे पशुर नाम कौन गोटे पशुर नाम गाई जड़े व्यक्तिर नाम सुदाम गोटे स्थानर नाम कटक एक प्रकार जीविकार नाम वकिलाती गोटे भल गुणर नाम सहिष्णुता। पाने एगार नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। फुलर पाखुड़ा मध्य गोटे गोटे काम को बाछी तले दि जा शून्य स्थान पूरण करवा। सुदाम गाई मानकर डेक्स सुदाम गाई मानकर हेफाजत करे। सुदाम सबु जिनिसर डेक्स सुदाम सबु जिनिसर तदारख करे। सुदाम बाबूंकर डेक्स सुदाम बाबूंकर बोलोहाक करे। मधुबाबू प्रवेशिका परीक्षार डेस् मधुबाबू प्रवेशिका परीक्षार पास करते। मधुबाबू जलखिया खई डैश मधुबाबू जलखिया खई खाऊ। उत्कल टेनी ओडिया कारीगर माने जोता डैश उत्कल टेनी ओडिया कारीगर माने जोता तैयारी करते। पाने शेषे बार नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। मधुबाबूं विषय जहाँ जाणिले पांचटी वाक्य लेखिबा। प्रथम वाक्यटी है मधुबाबू 1848 मसीहा एप्रिल मास 28 तारीख दिन कटक जिलार सत्यभामापुर ग्राम से जन्मग्रहण करते। 1934 मसीहा फेब्रुआरी 4 तारीख दिन कटक रे मृत्युवरण करते। दुई नंबर वाक्यटी है मधुबाबू थिले ओडिशार प्रथम इंग्राजी पढ़ुआ एमए प्रथम वकिल प्रथम मंत्री प्रथम बिलात यात्री। तीन नंबर वाक्यटी है 1880 मसीह कलिकतार फेरी मधुबाबू कटक्र बिहारी बाग्रे रही अदालत रे वकिलाती आरंभ करते। चार नंबर वाक्यटी है ओडिया मानक दुख दुर्दशा को मर्मे मर्मे अनुभव करुवा मधुबाबूंर कटक्र मिशन रोड बासभवन एवं शैलवाला महिला कॉलेज गढ़ी उठी। पांच नंबर वाक्यटी है 1905 मसीह से कटक्रे उत्कल टेनेरी नामक एक जोता कारखाना बसाई पाने आम पाठटी पढ़िले बुझिले प्रश्न उत्तर आलोचना कले तुम मैने पाठटी को दुई थर पढ़
पिला माने कोरोना टू आमे दूर रहिबा पई हेले मास्क व्यवहार करिबा बारंबार साबुन रे हाथ धोइबा आज बे एतिकी रहिले धन्यवाद।